हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम दिरांग से निकले हैं तवांग जाने के लिए और यहाँ सेला लेक तक पहुँच चुके हैं। यहाँ व्यू को एंजॉय किए और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं तवांग के लिए। तो यहाँ से हमें तवांग पहुँचने में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लग जाएगा। तो ये देखिए व्यू, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ा हुआ है, तो कितना सुंदर लग रहा है। आगे जाके अभी और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। बर्फ जमा हुआ है, चलिए देखते हैं। वो नदी का पानी ना, मतलब वो जो वाटरफॉल, वो जो पानी आ रहा है ऊपर से, वो पानी पूरा जम गया है। ये पानी ठीक है, वो पानी जम गया है ऊपर वाला, ऊपर से आने वाला पानी। यहाँ से पार होना पड़ेगा। मुझे यहाँ से जाने में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। ऊपर से आने वाला पानी पूरा जम चुका है और कितना सुंदर व्यू देखिए चारों ओर। कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें। अमेजिंग, सबको आना चाहिए, एक बार तो सबको आना चाहिए। आप लोग ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ आके जो फील करेंगे ना, वो वीडियो देख के नहीं हो सकता है। यहाँ आइए, भी वीडियो भी देखिए और फिर यहाँ आइए, आके फील कीजिए। अमेजिंग अमेजिंग, हर एक कोना कोना सुंदर। बर्फ हुआ है, अमेजिंग फील हो रहा है। पानी भी है और साथ में बर्फ भी, कुछ कुछ आइस हो गया है और कुछ कुछ पानी है। वाओ। तो हम वहाँ से निकल के थोड़ी दूर पर रुक गए। यहाँ पर देखिए जो वाटरफॉल हो रहा था वो भी जम गया है, और देखिए जैसा पानी गिर रहा था उसी तरह से वो जम चुका है, पूरा आइस हो चुका है। तो यहाँ से पानी के ऊपर से जाना पड़ेगा। वाओ, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ रास्ता सब जगह तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह पहाड़ है और टूटता ही रहता है पहाड़, गिर मतलब लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि रास्ता इतना ख़राब क्यों है, तो ये सोचना गलत होगा, क्योंकि ये पहाड़ है और दिन रात यहाँ पर लोग मेहनत कर रहे हैं, रास्ता रोड को ठीक करने में लगे हुए हैं। जहाँ भी देखो लोग रोड ठीक करने में लगे हुए हैं। तो रास्ता पूरा तो अच्छा नहीं मिल सकता, पर जितना अच्छा हमें मिला वो प्लेस में हमें नहीं मिलता इतना भी अच्छा। तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। और अभी हम आ चुके हैं जंग वाटरफॉल, तो यहाँ पर 40 रुपीज़ करके टिकट लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। रेनबो। तो थोड़ा सा डिटूर लेके हम चले आए हैं जंग वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर है। और चलिए दिखाते हैं आपको, और थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से तवांग का डिस्टेंस और 20 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें ये वाटरफॉल देखा तो इतना सुंदर लगा, तो हम थोड़ा सा डिटूर लेके आ गए। देखिए रेनबो कितना सुंदर, ऐसा तो मतलब हमने मेघालय में भी नहीं देखा था। अमेजिंग है ना, कितना ऊपर से आ रहा है और कितना फोर्स से आ रहा है। वाह यार, ए
ठीक है ठीक है। कहाँ आ गए हो? हमने ऐसा वाटरफॉल आज तक नहीं देखा। हमने बहुत सारा वाटरफॉल देखा है, मानता हूँ मेघालय में भी देखा है, बट इस तरह का वाटरफॉल कभी नहीं देखा है। আমি তো ওটাই বললাম, তুমি যেখানেই দাঁড়াবে সেখান থেকে রেনবো দেখতে পাবে। এইদিকে দাঁড়াবে, অদ্ভুত একটা জিনিস, যেইদিকে Amazing, amazing. इतना waterfall, इतना बड़ा waterfall कभी नहीं देखा। और इतना खूबसूरत, आप कहीं से भी खड़ा हो आपको रेनबो दिखेगा। और इतना नजदीक से, इतना नजदीक से देखने को मिल रहा है ना पूरा। इतना नजदीक से रेनबो मैंने कभी नहीं देखा, इतना नजदीक से। ये मैंने कोई ज़ूम नहीं किया है। मेरे को पता है क्या याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग याद है मेघालय में रेनबो वाटरफॉल मिस कर गए, मिस कर गए थे। पता था कि वहाँ पे रेनबो दिखता है, बट नाउ हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी डोंट रिग्रेट एनीमोर। हम लोगों ने ऐसा वाटरफॉल में जिसमें आप कहीं से भी खड़ा आपको रेनबो दिखेगा ही दिखेगा, और इतना नजदीक से रेनबो मैंने सोचा भी नहीं कभी, और इतना नजदीक से वाटरफॉल। बाप रे, थोड़ा डर भी लग रहा है कि सर के ऊपर ना गिर जाए पूरा, पर अमेजिंग 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 व्यू, अमेजिंग। ये जो आप लोग कैमरा में देख रहे हो ना, मतलब वीडियो में देख रहे हो ना, पूरा रियल रियल डिस्टेंस में है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा नज़दीक है शायद, तो हमने कोई भी जूम नहीं किया है, ये नॉर्मली वही दिखा रहे हैं आपको। अमेजिंग, सोच लीजिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना नजदीक से वाटरफॉल, वो भी इतना सुंदर विद रेनबो, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कुछ फेरी लैंड में आ गए। हाँ चलो, अब तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पूरा भीग गए, इतना नजदीक से वाटरफॉल, ओह माय गॉड। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मतलब बता नहीं सकते, मतलब पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा ये वाटरफॉल अमेजिंग है, अमेजिंग वाटरफॉल। तो चलो अभी निकलते हैं, अभी तावांग तक भी जाना है। रेनबो अभी भी दिख रहा है मेरे पीछे। और वाटरफॉल के पास है नदी, है नदी, तो ये अंकल हमें मिले, ये भी पहले बाइक राइड करते थे, बहुत जगह घूमे, तो वही हमसे बातें करने के लिए वो आए और काफ़ी बातें किए हमने। तो इनके पास में भी बहुत सारे बाइक्स है, तो उनके बारे में भी बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और सुना है कि रास्ता आगे से अच्छा है, वो जो ब्रिज देख रहे हैं ना, वो ब्रिज के उस पार से रास्ता काफ़ी अच्छा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं,
और अभी जल्दी और अभी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से रास्ता अगर अच्छा मिला तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर से रोड काफ़ी अच्छा है, वाओ ठीक ठाक है रोड, काफ़ी अच्छा है, अभी हम पहुँच जाएंगे आराम से। चलिए मिलते हैं तवांग पहुँच कर। तो हम पहुंच गए हैं तवांग और यहाँ होटल ले लिया हमने। ये देखिए ये है हमारा रूम जो कि काफ़ी सुंदर है, हमें तो बहुत पसंद आया। और यहाँ से व्यू देखिए, ये तो ज़बरदस्त है, देखिए कितना सुंदर व्यू रूम के अंदर से। तो हम अभी रूम पहुंच गए और आपने देखा कि रूम से व्यू कितना सुंदर है। और इस होटल का नाम है द मोन पैराडाइज, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए हीटर भी है, तो जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त। तो अभी हम फ्रेश हो लेते हैं, अभी थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, तो फिर आपसे मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।